भाभी मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। बड़ी माँ ने एक काम दिया था, वो भी मैंने ठीक से नहीं किया। शांत हो जा वैदी, रो मत प्लीज। वैदी तू ठीक है ना? एक सेकंड, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। तुझे वैदेही से दूर रहना है माधव, दूर। वैदेही सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना माधव, मुझे पता है तू क्या कहेगा। यही ना कि बात बात पर मत रोया कर, धागा ही तो है, फिर से आ जाएगा, फिर बांध देना। नहीं, मैं तो यही कहने वाला था कि अगर तू ऐसे ही रोती रहेगी, ऐसे ही खांसती रहेगी, तो मुझे सच में छुट्टी लेनी पड़ जाएगी। फिर तू ऐसे ही खांसेगी और मैं तुझे आइसक्रीम खिला दूंगा, क्योंकि मुझे तो तेरा ख्याल रखना आता नहीं है। फिर तेरी खांसी और बढ़ जाएगी और तू और बीमार पड़ जाएगी। क्या तू ये सच में चाहती है? तूने इतनी बार आइसक्रीम का नाम लिया है ना कि अब मेरा सच में आइसक्रीम खाने को मन कर रहा है, लेकिन घर पर है ही नहीं। अरे है ना आइसक्रीम, किसने बोला नहीं है? नहीं है, मुझे पता है। अंगूस के पार पंगूस, पंगूस के पार मंगूस, ये देखा है ना वनीला आइसक्रीम? इतना सारा चॉकलेट है, काजू और किशमिश भी छिड़का हुआ है, खा के देख। सारी आइसक्रीम खा लूं? नहीं, एक बाइट तेरी, एक बाइट मेरी। ठीक है, लेकिन ये जो चॉकलेट वाला हिस्सा है ना, ये मेरा होगा। चल ठीक है। रानी, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं क्या देख रही हूँ। प्यार है ये प्यार, तुम नहीं समझोगी श्वेता। जस्ट शट अप रानी, प्यार माय फुट। अरे तूने तो अपने नाक पे आइसक्रीम लगा ली। अब तू ये बोलेगा ना कि मुझे तो आइसक्रीम खानी आती ही नहीं है। Exactly, नहीं आती। इमेजिनरी आइसक्रीम थी, मतलब काल्पनिक, असली वाली आइसक्रीम नहीं। श्वेता, कल्पना ना असलियत से ज्यादा पावरफुल होती है, और प्यार में सब काल्पनिक होता है। चांद बड़ा दिखाई देने लग जाता है और तारे नजदीक आने लगते हैं और कानों में संगीत सुनाई देने लगता है। दो दिन और दो रात वो लोग साथ में रहकर के आ गए, एक दूसरे के इतने करीब आ गए। और हम क्या कर रहे हैं मम्मी? वो तांत्रिक बाबा के दिए हुए धागों को राख बनते देख रहे हैं बस। उन दो दिनों को भूल जाओ,
ये सोचो कि उन दोनों के बीच में उन दो रातों में क्या हुआ होगा। अपनी काल्पनिक शक्ति का इस्तेमाल करो। अरे मम्मी मैं कह रही हूँ ना, उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ये तो हम जानते हैं ना कि वो दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ होगा, दुनिया तो नहीं जानती है ना। मतलब अब कहना क्या चाहती हो नीलामा? अब मैं कुछ कहूंगी नहीं, करके दिखाऊंगी। चित्रा ने मेरे धागों को जलाया है ना, मैं उस वैदेही के दामन को बदनामी की आग में पूरी दुनिया के सामने जलाऊंगी। ये मेरा वादा है तुझसे चित्रा, मैं ऐसा ही करूंगी। माधव देख, पोहे मुझे बहुत पसंद है ना, मैंने अपने हाथों से बनाए। थैंक यू सो मच माँ, इतने दिनों से मन कर रहा था पोहे खाने का। मुझे पता था, खा के बता कैसे बने। अच्छे बने। सच बोल रहे, तेरी शक्ल से तो नहीं लग रहा है। अरे हाँ मैम, सही में अच्छे बने। नमक ही नहीं इसमें तो, बताया क्यों नहीं तूने? तो क्या हो गया, नमक नहीं है तुम? आपने अपने हाथों से बनाया, इसमें आपका प्यार है। नहीं माधव, वो बात नहीं है, आज मैं नमक भूल गई हूँ, कल को कुछ और भूल जाऊंगी। तुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है सब भूलती जाऊंगी, उम्र के साथ साथ तो मैं तुझे भी भूल जाऊंगी। तो माँ ऐसा क्यों कह रही हैं? इतनी छोटी सी बात है, आप उसे कहाँ लेके जा रही हैं? आप ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बात छोटी नहीं है माधव, तू नहीं समझेगा माँ का दर्द क्या होता है। आज मैं हूँ, कल मैं नहीं रहूंगी, कौन तेरा ख्याल रखेगा? इसलिए मैं तुझे कहती हूँ, तुझे हम सफर की जरूरत है, तो शादी कर ले, ऐसी लड़की से शादी कर ले जो तेरा ख्याल रखे, मुझसे अच्छी तरह से ख्याल रखे। माँ फिर से श्वेता की बात करेंगी, मैं फिर से आपको मना करूंगा, मुझे नहीं अच्छा लगता और मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। तो कब तक अपना ख्याल खुद रखेगा? तू समझ रहा है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मैं क्या सोच रही हूँ समझ रहा है? तुझे श्वेता से शादी नहीं करनी, मत कर। तुझे वैदे ही पसंद है तो वैदे से शादी कर ले। वैदे ही? हाँ वैदे ही, तेरा कितना ख्याल रखती है, मुझसे भी ज्यादा। वो तेरे लिए सही रहेगी, जिंदगी भर तेरा ख्याल रखेगी माता, कर ले शादी उससे। नहीं मैम, वैदे के लिए मेरे दिल में वैसी फीलिंग्स नहीं है मैम, मैं वैदे से शादी नहीं कर सकता। I'm really sorry, मैं वैदे से शादी नहीं कर पाऊंगा, मैं इस पोहे में नमक डाल के आता हूँ। माधव तू फिर वही कर रहा है। माधव माधव यही तो मैं जानना चाहती थी माधव, कि उस गवार के लिए तेरे दिल में क्या जगह है। और आज तूने साफ साफ कह दिया, मेरा रास्ता साफ हो गया। चित्रा तूने तो सुन ही लिया होगा कि माधव ने क्या कहा, वो वैदेही से प्यार नहीं करता। अब तू देख तेरी वैदेही की जिंदगी मैं कैसे बर्बाद करती हूँ। कर रही हो वैदेही? बड़ी माँ वो धागे तो अब नहीं रहे ना, इसलिए मैं माधव की गृह शांति के लिए दूसरा उपाय ढूंढ रही हूँ, लेकिन इन पुरानों में कुछ मिल ही नहीं रहा है। सारी बातें पुरानों में नहीं मिलती, माँ के दिल से पूछो, उसके पास अपने बेटे के लिए सारे उपाय होते हैं।
मेरे पास एक उपाय है। सच बड़ी माँ, बताइए ना, मैं इस बार कोई गलती नहीं करूंगी, सब कुछ अच्छे से करूंगी। 7 सुहागनों को सुहाग का सामान दान करना है, लेकिन ये काम कोई कुंवारी कन्या ही कर सकती है, और श्वेता तो अभी कुछ कर नहीं सकती, तो बची तुम, तो ये काम तुम्हारे हाथ से कर देते। अरे वाह, मैं अभी ये दान करके आती हूँ बड़ी माँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है वैदेही, मैंने 7 सुहागनों को हवेली में ही बुला लिया है, तुम्हें सिर्फ अपने हाथों से उन्हें दान करना है। बस वो आने वाली होंगी, तुम दान की तैयारी करो। जी बड़ी माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप कितनी अच्छी हैं, माधव का कितना ख्याल रखती हैं आप। माँ हो ना, माँ अपने बेटे की भलाई के लिए कुछ भी कर सकती है। अच्छा अब जाओ। जी बड़ी माँ। आप लोगों को पता है ना कि सब कैसे करना है? हाँ रानी, फिक्र मत करो, मुझे सब समझ में आ गया है क्या करना है। हाँ, मैंने सब रट लिया है। आइए बैठिए आप लोग। नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। आप सबकी वजह से हम माधव के लिए जो गृह शांति का उपाय करने वाले हैं वो पूरा हो सकेगा। शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है, किसी की मदद करना तो एक नेक काम है, और हम तो बस वही एक नेक काम कर रहे हैं। बेटा आपने अपना नाम तो बताया नहीं अभी तक। सॉरी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, मेरा नाम वैदेही है। अरे ये वैदेही है, आप इसे कैसे जानती है? ये माधव ठाकुर की दोस्त है, काम से बुलाया है इसे। क्यों? अरे हाँ समझिए ना, जब से चित्रा गई है तब से माधव थोड़ा अकेला हो गया है, अब उसका अकेलापन दूर करने के लिए बुलाया है इसे। हे राम, सच में? अब इन आजकल की लड़कियों में कोई शर्म मर्यादा तो रही नहीं। अरे लड़कियों की छोड़ो, इनके परिवार वालों के बारे में सोचो, ऐसे कैसे रहने देते हैं इन्हें यहाँ। आप ये क्या कह रही हैं? आप उससे कुछ कहना चाहती हैं क्या? तुम वही लड़की हो ना जो माधव ठाकुर के साथ अकेले 2 रात बिताकर आई हो, वो भी शहर से बाहर। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमें। अरे ऐसे इंसान का कि ग्रह शांति कैसे हो सकती है? चलो चलो, ऐसी लड़की के हाथ से कुछ लिया तो हमें पाप लगेगा, चलो यहाँ से, छोड़ो इसे। चलो चलो सब चलो। कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे रुकिए, ये गृह शांति पूजा बहुत जरूरी है। तुम वही लड़की हो ना जो माधव ठाकुर के साथ अकेले 2 रात बिताकर आई हो, वो भी शहर से बाहर। जब से चित्रा गई है तब से माधव थोड़ा अकेला हो गया है, अब उसका अकेलापन दूर करने के लिए बुलाया है इसे। अरे वैदेही, मेरा काम तो हो गया। मम्मी
मम्मी आपका आइडिया काम कर गया, आपको उस वैद्य का चेहरा देखना चाहिए था मम्मी। जब वो औरतें उसे क्या बातें सुना रही थी, क्या ताने दे रही थी, आय हाय 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 मम्मी, मेरा तो दिल है ना ऐसे गार्डन गार्डन हो गया, ऐसा लग रहा था मम्मी कि उसके पैरों से ना जमीन खिसक गई हो। बहुत अच्छी खबर लाई है रानी, लेकिन हम जश्न तब मनाएंगे जब काम पूरा हो जाएगा। ये ले, फोन लगा दादी को और बता उसकी पोती ने क्या क्या गुल खिलाए, लेकिन ध्यान से आवाज बदल कर पकड़ी नहीं जानी चाहिए, वरना सारा खेल चौपट हो जाएगा। मम्मी अब आप देखते जाइए, आपकी रानी बनाती है क्या क्या नई नई कहानी। किसका फोन है ये? हेलो। अच्छा धंधा खोल रखा है दादी और पोती ने साथ मिलकर। क्या बोल रही हो, क्या बदतमीजी है ये? अरे बदतमीज हम नहीं, बदतमीज तुम लोग हो। तुम शर्म नहीं आई? अमीर आदमी को फंसाने के लिए क्या क्या जाल बिछाती हो तुम दादी और पोती, और अपनी पोती को माधव ठाकुर के यहाँ भेजती है दो रात के लिए मुंह काला करने के लिए। वाह क्या जमाना आ गया है। क्या बोल रही हो, मेरी वैदेही ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकती। अरे चुप, मेरी वैदेही जाकर पूछ शहर में गली में मोहल्ले में कैसी कैरेक्टर लेस और बदचलन है तेरी पोती वैदेही। ये तुम क्या बोलने जा रही हो, कैसी बात कर रही हो, ये कभी नहीं हो सकता, हिम्मत है तो नाम बता अपना। हेलो हेलो डन। मम्मी मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं दादी से बात कर रही थी ना, दादी का दिल ऐसे गड़गड़ 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 गड़गड़। मम्मी मुझे तो ऐसा लग रहा था कि दादी को हार्ट फेल ना हो जाए। हाशुमा आगे क्या करना है? हमारा अगला कदम अब उठाना पड़ेगा। हमारे आदमियों ने अब तक ये खबर आग की तरह सारे शहर में फैला दी होगी, और गुस्से से भिन्नाती हुई भीड़ हमारी हवेली तक बस पहुंच ही रही होगी। मम्मी, नीलमा। मैं जानती हूँ चित्रा तुम यही हो, हमारी बातें सुन रही हो और देख रही हो, लेकिन अफसोस तुम कुछ कर नहीं सकती। मेरे बेटे के होठ सिले थे ना तूने, अब मैं देखना चाहती हूँ कि शहर में किन किन लोगों के होठ सिलेगी तू, वो बात फैलने से कैसे रोकेगी जो तू सुनना नहीं चाहती। रुक जा चित्रा, मेरी बात ध्यान से सुन ले। इस वक्त माधव और वैदेही घर में मौजूद है, और जाहिर सी बात है उनके सामने तो तू कोई तमाशा करना नहीं चाहेगी, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप खड़ी रह के हमारी बातें सिर्फ सुन ले। समझ में आया? तुझसे मैं बाद में मिलूंगी। ये माधव ठाकुर की दोस्त है, गांव से बुलाया है इसे। जब से चित्रा गई है तब से माधव थोड़ा अकेला हो गया है, उसका अकेलापन दूर करने के लिए बुलाया है इसे। तुम वही लड़की हो ना जो माधव ठाकुर के साथ अकेले दो रात बिता कर आई हो, वो भी शहर से बाहर। अभी आजकल की लड़कियों में कोई शर्म मर्यादा तो रही नहीं। अरे लड़कियों की छोड़ो, इनके परिवार वालों के बारे में सोचो, ऐसे कैसे रहने देते हैं इन्हें यहाँ। चलो चलो, ऐसी लड़की के हाथ से कुछ लिया तो हमें पाप लगेगा। वैदेही तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं काका, आप बताइए क्या हुआ?
तू दादी को फोन कर ले। दादी को क्या हुआ काका? कल ही तो मैंने दादी से बात की थी, सब ठीक है ना? तू बस दादी को फोन कर ले। दादी ने तो फोन नहीं उठाया काका, क्या हुआ? सब ठीक है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? शायद दादी तेरा फोन जानबूझकर नहीं उठा रही है। जानबूझकर? दादी मेरा फोन जानबूझकर क्यों नहीं उठाएंगी? क्या हुआ काका बताइए, सब ठीक है ना? आप कुछ छुपा तो नहीं रहे ना मुझसे?